Assalamualaikum students, how are you all? I hope that you are all fine with good health. I'm your English teacher and student. First, you take out your English workbook and do this. Let's start with this work. Bismillahirrahmanirrahim. Workbook page number 53, mark day, date 13 January 2021, and day is Wednesday. Okay, students. Today we will learn a very interesting thing, that is the tense. Students will learn about present continuous tense. Do you know, students, what is the present continuous tense? Last lecture jo humne class mein discuss kiya tha, that was the simple present. ठीक है, simple present is our daily routine work, जो हमारा daily का work होता है. और present continuous tense is for actions that are happening now. वो काम जो अभी हो रहा होता है उसको present continuous कहते हैं. लाइक जैसे कि आपकी उर्दू में टीचर आपको उर्दू भी करवाती है ना, फिलहाल जारी भी काम हो रहा होता है. लाइक यू आर राइटिंग, अगर आप लिख रहे हैं. यू आर ईटिंग, आप खा रहे हैं. यू आर ड्रिंकिंग, आप पानी पी रहे हैं. वट एवर यू आर डूइंग, वो काम जो आप प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. फर्स्ट यू लर्न डेफिनेशन, एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, वो काम जो अभी हो रहा होता है. Like you are watching my video, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो that is a present continuous tense, ये भी present continuous है. Like students, you are writing your work, अगर आप अपना काम लिख रहे हैं. You are eating something, अगर आप कुछ खा रहे हैं. जो भी काम आप present में कर रहे होते हैं, that is called present continuous tense. Okay students, firstly we learn the structure. सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका structure कैसे है, हम sentence कैसे बनाते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आता है, और साथ में जो फॉर्म यूज करते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है. आपने लर्न की हुई है ना, लाइक अ गो, वेंट, गॉन, गोइंग. जो लास्ट वाली होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल आई एन जी वाली फॉर्म होती है, और इसका सबसे बड़ी आप इस तरह से लर्न करेंगे कि वो फॉर्म जिसके साथ आप आई एन जी को पुट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, वर्क की जो फॉर्म आपने यूज करनी है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्लस लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, अब देखते हैं कि सब्जेक्ट है और किसके साथ आप आर का यूज करेंगे, और किस सब्जेक्ट के साथ इस का यूज करेंगे, और किस सब्जेक्ट के साथ एम का यूज करेंगे. फर्स्ट यू विल सी स्टूडेंट, दे यू हुई के साथ हमेशा आर को पुट करते हैं. जब भी हम सेंटेंस में लाते हैं दे यू हुई, और जो प्लूरल यानी कि ज्यादा थिंग होंगी उसके साथ आर का यूज करते हैं. He, she, it और सिंगल चीज के साथ आप इसका यूज करेंगे, और आई के साथ हमेशा आप एम का यूज करेंगे. Is that clear student? They, you, we के साथ are, he, she के साथ आप इसका, और आई के साथ हमेशा आप एम का यूज करेंगे. ठीक है, और जब आप सेंटेंस बना रहे होते हैं, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. लाइक वी आर गोइंग टू स्कूल, we are going to school. Okay student, it is the simple present continuous tense. We are going to school, हम स्कूल जा रहे हैं. अब आप he का देखें, he is reading, he is reading. You can see student, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा. हेल्पिंग वर्ब हमारे है इज एम आर, और मैंने आपको पहले स्टार्ट में बता दिया कि दे यू वी के साथ हमेशा आर का यूज करते हैं. ही शी के साथ इज का आएगा, और आई के साथ आएगा आई एम प्लेइंग. ओके सुनर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टेंस, और इट इज वेरी इजी. इजी कैसे है कि आपको बताएंगे इज एम आर में स्टार्ट में बता दें, जिसका हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आपने इसके साथ आई एन जी वाली फॉर्म यूज करनी है. और आपने ये सब्जेक्ट देख लें, दे यू हुई के साथ आर का यूज करते हैं, ही शी के साथ इसका यूज करते हैं, और आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं. उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आप देखेंगे, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, लाइक आप देख रहे हैं वी आर गोइंग टू स्कूल, we are not going to school. और नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इज एम आर के साथ आप नॉट का यूज करते हैं. किसका यूज करेंगे? नॉट का यूज करेंगे. ठीक है, लाइक दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल. और अगेन फिर मैं स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू रिपीट दिस थिंग कि नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर
नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. लाइक यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस था दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल. और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं यानी कि स्वाली सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम कैसे कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस में और नॉट वाले सेंटेंस में लास्ट में फुटनोट को पुट करते हैं. और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, अब उसका स्ट्रक्चर देखें, इज एम आर का स्टार्ट पे, लेकिन हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट पे इज एम या आर का यूज करते हैं. लास्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज आएगी वाक्य और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, लाइक आर दे आर गोइंग टू स्कूल. अब हम इसको जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आर दे गोइंग टू स्कूल और लास्ट में हम क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन मार्क. और क्वेश्चन मार्क जहां भी होगा फौरन आपको ये चीज क्लिक करती है कि दिस इज द क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन वाला जो हमने टॉपिक प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि इज एम आर को जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सेंटेंस के स्टार्ट पे शुरू में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा. ओके स्टूडेंट, नाउ कम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55 पेज पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि देर इज़ अ पिक्चर, यहाँ पे एक पिक्चर है एंड देर आर सम बॉयज आर देयर. ओके, इस पिक्चर में कुछ बॉयज भी हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्शन, ये मुख्तलिफ काम कर रहे हैं. लाइक यू कैन सी कि देर आर टू बॉयज, वट आर दे डॉइंग, दे आर फ्लाइंग कैट्स. ओके, राइट प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ पीपल इन द पिक्चर. इस पिक्चर में जो बॉयज एक्शन कर रहे हैं आपने इसको डिस्क्राइब करना है. यू कैन राइट योर बाई योर सेल्फ सेंटेंसेस, आपने जो सेंटेंस राइट करना है स्टूडेंट यू कैन राइट बाई योर सेल्फ. आप इन सेंटेंसेस को चेंज करके स्टूडेंट यू कैन, ये आपकी परसेप्शन है कि आप इसमें क्या देख रहे हो. ठीक है, बट यू विल हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस. अभी हमारा जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, उसको किस सब्जेक्ट के साथ राइट करते हैं. सो यू विल राइट दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस. ओके स्टूडेंट, यू कैन सी कि टू बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स इन द गार्डन. यू कैन सी कि पिक्चर में क्या है, देयर इज अ गार्डन एंड टू स्टूडेंट्स आर फ्लाइंग काइट्स. नेक्स्ट पे देख रहे हैं कि वन स्टूडेंट इज लुकिंग एट दैम, जो एक बॉय है वो क्या कर रहा है कि वन बॉय इज लुकिंग एट दैम, वो लड़का जो है उनको देख रहा है. एंड थर्ड वन पे देख रहे हैं कि वन बॉय इज वीपिंग, यू कैन सी कि देर इज अ वन बॉय एंड ही इज वीपिंग, वन बॉय इज वीपिंग. एंड वन यू कैन सी हेयर इज द वन बॉय स्टैंडिंग नियर बाय द ट्री, ट्री के पास स्टूडेंट क्या कर रहा है, बॉय, वन बॉय इज पेस्टिंग पोस्टर ऑन द ट्री. एंड नेक्स्ट पे देख रहे हैं स्टूडेंट द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग. ओके स्टूडेंट, यू कैन चेंज दिस सेंटेंसेस एंड यू कैन राइट बाय योरसेल्फ. ओके स्टूडेंट, नाउ ओपन पेज नंबर 55. नाउ कम ऑन पेज नंबर 55 पे आपको अब देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहां पे सेंटेंसेस राइट किए हुए हैं, ही इज लिविंग विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर. ओके, यू विल चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, सेंटेंस को आप नेगेटिव सेंटेंस में भी चेंज करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी चेंज करेंगे. फर्स्ट स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया है ना कि अगर जब भी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हम उसके बाद नॉट को पुट करते हैं. ओके, नाउ कंप्लीट योर सेंटेंस, ही इज लिविंग विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर. आप इसका फर्स्ट ही नेगेटिव लिखेंगे, ही इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप फौरन बाद उसके बाद नॉट को पुट करेंगे. ठीक है, He is not living with his brother and sister. Last पे आप stop को put करेंगे और जो second वाला next आपका sentence है वो है interrogative. इसी sentence का आप negative भी बनाएंगे और interrogative sentence भी write करेंगे. Next देखें, अब जो हम interrogative sentence बना रहे होते हैं तो helping verb का, helping verb क्या होता है, is, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका helping verb is है, इसको आप sentence के start पे write करेंगे. Is he living with his brother and sister? और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो होते हैं जब भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस को आप राइट करते हैं लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क को पुट करते हैं. ठीक है, अब जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर जो था सेंटेंस नंबर वन था और ये देख रहे हैं कि सेंटेंस नंबर टू में शी इज पैडलिंग इन द वॉटर, शी इज पैडलिंग इन द वॉटर. अब आपने इसका
कनेक्टिव बना लिया फर्स्ट पेयर, देन अगेन इसी तरह सेम आप इंटरोगेटिव राइट करेंगे. तो स्टूडेंट नाउ यू टेल मी कैसे इसका नेगेटिव बनाएंगे कि हैविंग वर्क के बाद आप नॉट को पुट करेंगे. शी इज नॉट पैडलिंग इन द वाटर, वो पानी में पैडलिंग नहीं कर रही. और आप इसका ही अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस यहाँ पे आप देखिए आपका हैविंग वर्क सेम फिर वही वाले करेंगे कि आप हैविंग वर्क को सेंटेंस के स्टार्ट पे लिखेंगे. इज शी पैडलिंग इन द वाटर और लास्ट में क्या राइट करेंगे, क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट, और द रेस्ट ऑफ सेंटेंस यू विल कंप्लीट बाय योर ऑन. जो बाकी वाले सेंटेंसेस है वो आप खुद ही इसी तरह कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.